ओके सो हे गाइस वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का यूज़ करने वाला हूँ मैं, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इजीली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके गाइस सो सबसे पहले आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड का मतलब डाउनलोड कर लेना है, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया है। फिर इसके बाद आप सभी को करना है कि आप सभी को ऐड फोटो में चले जाना है एंड यहाँ से गाइस आप सभी को अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं पहले अपने मॉडल को ले लेता हूँ। एंड गाइस मॉडल को यहाँ पे लेने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को मॉडल को जो है गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे लगा देना है। ठीक है, एंड गाइस जो मेरा मॉडल है मैंने उसका बैकग्राउंड पहले से ही रेज कर रखा है। एंड जिसको एच डी क्वालिटी में बैकग्राउंड रेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप तीनों में से कोई सी वीडियो वॉच कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और तीनों वीडियो मैंने ही बनाई है तो आपको हेल्प जरूर होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मॉडल को लगाने के बाद डन कर देते हैं। एंड गाइस उसके बाद हमें अपने इस मॉडल को इस फोटो को हम यहाँ से लेकर चलेंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को फिर यहाँ पे करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे कलर्स में चले जाना है पहले तो। एंड यहाँ से आप सभी को ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे डन कर देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप सभी को ब्रश में चले जाना है। ब्रश में जाने के बाद गाइस साइज को आपको फुल रख लेना है एंड जो ओपेसिटी होगी गाइस ये 20 तक होगी आपकी। ठीक है, एंड इसके बाद गाइस आप सभी को शेडो देखो कैसे बनानी है, आप सभी को सिर्फ एक बारी पेंट करना है बस एक ही जगह पे गाइस, देखिए ऐसे एक बारी। एंड उसके बाद आपको फिर एक ऐसे एंड मतलब कि गाइस किसी भी जगह पे ना डबल पेंट मत करना है, इससे क्या हो जाएगा ना कि मतलब शेडो ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो नकली सी लगेगी शेडो। ठीक है, तो गाइस अभी हमारी शेडो परफेक्ट नहीं है, हम इसकी ओपेसिटी यहाँ पे अभी थोड़ी कम करेंगे। तो यहाँ पे हम लेयर में जाएंगे एंड नीचे ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे यहाँ से ओपेसिटी कम करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे रियलिस्टिक शेडो आ चुका है हमारा यहाँ पे, है ना गाइस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डन कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, अब गाइस हम यहाँ से चले जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ले लेंगे एक लाइट का पीएनजी। ठीक है, तो आप सभी को पीएनजी ले लेना है। एंड इसको आपको क्या करना है, आप सभी को इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। एंड इसके साइज़ को आपको बड़ा करना है एंड आप सभी को जिस टाइप से यहाँ पे नीचे की तरफ से ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि मतलब कि ये वाइट स्मोक टाइप का ही बनाना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ इस टाइप से ऐड कर देना है आप सभी को एंड यहाँ पे कर देना है डन। ठीक है, उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को अपने इस यहाँ से एक बार और ऐड फोटो में चले जाना है। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक और एक पीएनजी दे दूंगा मैं, ये वाला विग्नेट का। ठीक है, तो आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सो फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स ऐड कर देना है, ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है गाइस यहाँ से चले जाना है ऊपर लेके फोटो को टूल्स में, एंड टूल्स में चले जाना है। एंड उसके बाद आपको एडजस्ट में चले जाना है, एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड रिजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को लेना है, साइज़ को अपने हिसाब से छोटा कर लेना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपसे फोटो को जूम करना है एंड आपको फेस के ऊपर डोजन बन करना है। ठीक है, एंड गाइस मैंने फेस के ऊपर डोजन बन के लिए पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। एंड अगर आपको देखना हो तो गाइस आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आपको उस वीडियो को जाकर वॉच कर लेना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। तो बस इतना ही, एंड इसके बाद आप करते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कुछ इस टाइप से पेंट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर डन करना है। एंड इसकी ओपोसिटी है आप सभी को जो अराउंड रखनी है 6 से 8 तक रख लेनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर कर देना है डन। एंड उसके बाद गाइस आप सबको अपनी इस फोटो को सिंपली सेव कर लेना है एंड इसको लेकर चलना है लाइटरूम ऐप में। लाइटरूम ऐप में ले जाने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको साइड में जो लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर चले जाना है। फिर इसका कॉन्ट्रास्ट है जो आपको बढ़ा देना है, हाईलाइट है जो इसको भी बढ़ा देना है, एंड शेडो को भी बढ़ा देना है, जो वाइट है आपको इसको भी बढ़ा देना है, एंड जो ब्लैक है इसको भी बढ़ा देना है। एंड इसको चले जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, फोटो की जो वाइब्रेशन है आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो फोटो में टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, उसके बाद चले जाना है कलर मिक्स में। तो कलर्स मिक्स में जाने के बाद कलर मिक्स में चलते हैं एंड यहाँ पे हम ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस करेंगे एंड जो ल्यूमिनस है उसको बढ़ा देंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जाएंगे हम यहाँ से येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से हम ग्रीन कलर में, इसका ह्यू माइनस करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद हम ह्यू इसका प्लस रख लेते हैं गाइस। ठीक है, एंड इसका सैचुरेशन को बढ़ा देते हैं। एंड उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे इस डार्क ब्लू में, आप चाहो तो इसका सैचुरेशन माइनस में भी रख सकते हो, बट यहाँ पे मैं हल्का सा माइनस रखूँगा। ठीक है, एंड इसका ये जो ह्यू है इसको आगे की तरफ बढ़ा दूंगा एंड जाएंगे ये पर्पल कलर में। एंड इसका दो है नीचे की सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड यहाँ पे कर देंगे डन। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है हम इसको इंक्रीज कर देंगे एंड फोटो में जो है विग्नेट डाल देंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड यहाँ पे ग्रीन अमाउंट मिल जाएगा, आप इसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद यहाँ से चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस जो नोड रिडक्शन है आप सभी को उसको बढ़ा देना है एंड नीचे स्क्रॉल करके कलर नोड रिडक्शन मिल जाएगा, आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी
वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस चलिए मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।